क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, एक स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया जो है 18 मिनट लगाती है उसका एक चक्कर लगाने में, वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। और रवि जो है एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मान लेते हैं कि वो सेम पॉइंट से शुरू करते हैं, सेम टाइम पे शुरू करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं दोनों। आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। और कितनी देर बाद वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर पाथ है, इस पर सोनिया और रवि दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पर यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं। तो हमें बताना है कि वे अब जब इस पर दौड़ रहे होंगे तो वो आप इस पॉइंट पर दोनों आपस में दोबारा कब मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने सोनिया टेक 18 मिनट्स, रवि टेक 12 मिनट्स। अब वो मीटिंग पॉइंट क्या होगा उनका, दे मीट आफ्टर LCM of 18 and 12। वो एक दूसरे से कब मिलेंगे, वापस उसी पॉइंट पर LCM निकालना पड़ेगा हमें इसका 18 और 12, मतलब जो भी वो टाइम ले रहे हैं उन दोनों का LCM, ठीक है। तो LCM निकाल लेते हैं 18 का LCM और इसके सामने लिख दूंगा, ठीक है, मैं जो भी 18 के प्राइम फैक्टर्स होंगे और इसके 12 के। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे कर लेते हैं, सबसे पहले करेंगे 2 से, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 जा 9 और 3 से 3 1 जा 3। तो 18 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। इसी तरह 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, सबसे पहले करेंगे 2 से, 2 6 जा 12, फिर से 2 से 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो यहाँ क्या हो गया, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3। LCM क्या होता है, LCM ऑफ 18 एंड 12 इक्वल्स टू 18 और 12 का LCM हम किस तरह से निकालेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे। इसमें 2 और 3 वेक्टर है, इसमें भी 2 और 3 वेक्टर है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कहां पर है, यहां पर 2 की पावर 1 है, यहां पर 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर लेंगे 2 की पावर 2, ठीक है। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में, उसके अलावा कौन सा फैक्टर है, 3 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ पर है 3 की हाईएस्ट पावर 3 का स्क्वायर, तो इसको ले लेंगे 3 का स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4 9 जा 36। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पर, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी देर बाद मिलेंगे, आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है। देन लिख देता हूं मैं जो भी आपको लास्ट में लिखना है, देन दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है। वो एक दूसरे को 36 मिनट्स बाद मिलेंगे, जब वो दोनों एक ही टाइम पर शुरू करेंगे तो 36 मिनट बाद वो उसी पॉइंट पर आप एक दूसरे को, स्टार्टिंग पॉइंट पर ही एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है।